समाजवादी पार्टी भी आज से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज के हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काकोरी कांड को कौन भूल सकता है। देश के वीर जवानों ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। काकोरी में ट्रेन लूट करके अंग्रेजों को चले गए। को ये पहली बार नहीं है जो राष्ट्र का झंडा इस सम्मान के साथ घर घर पर लगेगा। हमेशा 15 अगस्त को स्कूल हों, संस्थाएं हों, घर घर लोगों ने झंडे हमेशा लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रही थी। और 9 अगस्त का दिन वो दिन है जिस दिन ये फैसला लिया गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना है। कभी 1942 में आज ही के दिन न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई होंगी, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, उस समय के महापुरुष, उस समय के नेता, उस समय के आम जनता ने मिल करके भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त को तय किया है कि हम सभी गांव में समाजवादी कार्यकर्ता और जनता से अपील करेंगे कि राष्ट्र का झंडा लगाएं अपने घर पर और सम्मान के साथ 15 अगस्त भी मनाएं। नकल आखिरकार बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य पार्टी है उसने भारत का झंडा नहीं लगाया और भारत के झंडे का विरोध किया। कई वर्षों उन्होंने अपनी संस्था पे भारत का झंडा नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन ने भारत की आजादी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। 2024 की चुनाव का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार निकल चल रहे हैं, चाहे पूर्वांचल हो या फिर कन्नौज। आपको बताऊं कि सदस्यता अभियान के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और सदस्यता अभियान को धार दे रहे हैं। वहीं प्रभारियों के माध्यम से ज़्यादा हर विधानसभा में किस तरीके से ज़्यादा नए मेंबर्स बन सकेंगे और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से ले उसको लेकर के लगातार जोर दिया जा रहा है। और आज पूरे दिन कन्नौज के दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से रहे, जहाँ उन्होंने जो हर घर तिरंगा है उस मिशन की शुरुआत करी जो 9 तारीख से 15 तारीख तक चलना है। उसके बाद उन्होंने मेधावियों को लैपटॉप का वितरण भी खुद घर जा करके किया और अपने कार्यकर्ताओं के घर जा करके मुलाकातें भी की। साथ ही साथ सदस्यता अभियान को धार देने के लिए खुद जो सदस्यता अभियान का कैंप था वहां पर पहुंचे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रियता बरत रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षियों ने आरोप लगाए थे उन आरोपों को भी जवाब दे रहे हैं और सीधे तौर पर खास करके पूर्वांचल हो या कन्नौज लगातार उनकी सक्रियता ये बता रही है कि 24 को लेकर के बेहद गंभीर है और यही वजह है कि बेहद बहुत पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, कन्नौज।